मेरा एक नया वीडियो में मैं सबको स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे आज स्कन के बारे में। स्कन क्या है, कब शुरू हुआ, पहले तो हम जानेंगे व्हाट इज स्कन। स्कन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कि हरे कृष्णा मूवमेंट के नाम भी नामी थे। और इसका मुख्य उद्देश्य है कृष्ण भक्ति और कृष्ण चेतना का प्रचार और प्रसार। इसका स्थापना श्रीला प्रभुपाद जी ने किया था 1957 में। प्रभुपाद जी ने स्कन का स्थापना करने का कोशिश किया था। उस टाइम उसका नाम वो रखे थे भक्तोदा संघ। उसी समय वो कुछ दोस्तों के साथ मिलकर श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार और प्रसार कर रहे थे, लेकिन कुछ कारण की वजह से उसी समय स्कन का स्थापना नहीं हो पाया था। स्कन का पहला मंदिर अमेरिका के न्यूयॉर्क टाउन में स्थापना हुई। आइए जानते हैं ये कैसे हुआ। 1966 को जब प्रभुपाद जी ने अमेरिका के दौरे किए थे, उसी समय न्यूयॉर्क टाउन के कुछ हिप्पी लोगों के साथ मिलकर 13 जुलाई 1966 को स्कन का ऑफिशियली स्थापना की। पहले तो कुछ गिने चुने लोगों के साथ मिलकर स्कन का शुरुआत हुई थी, लेकिन समय के साथ उसमें बहुत सारे लोग जुटते गए। अगर मैं आज के दिन के बात बोलूँ, स्कन के पूरे दुनिया भर में 71 से ज़्यादा कंट्रीज में 800 से प्लस मंदिर और कल्चरल सेंटर से, उसमें से 150 से ज़्यादा इंडिया में और 12 से ज़्यादा पाकिस्तान में भी है। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के समय लोग कितना स्कन के साथ जुड़ते जा रहे हैं। स्कन का मुख्य कार्यालय मायापुरी वेस्ट बंगाल में है। हर दिन सुबह 4:30 पे जब सारे दुनिया सोते ही रहती है, उसी समय स्कन के मंदिरों में से फूलों की खुशबू और ढोलों के वाद्यों के साथ भगवद गीता और श्री कृष्ण के नाम की ध्वनियाँ सुनने को मिलती है। आज के टाइम स्कन ने पूरे दुनिया भर में 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गीता पढ़ा चुके हैं। 10 नवंबर 1977 को वृंदावन में प्रभुपाद जी का देहांत हुआ, लेकिन उसी टाइम वो जो सपना देखे थे कि दुनिया भर में भगवद गीता और श्री कृष्ण जी का नाम प्रचार और प्रसार करने का, आज भी वो सपना पूरी हो रहा है। अगर आपको किसी के बारे में जानना है तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उसी के बारे में वीडियो लाने का प्रयास करूंगा।